हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में लाइनिंग वाले पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। इस पैंट को काटने के लिए आपको कौन कौन से ट्रिक एंड टिप्स फॉलो करने होंगे, वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को मिस बिल्कुल ही मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरे ऐसी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास मैन फैब्रिक जिसकी हमें पैंट बनानी है, तो अभी हम मैन फैब्रिक को टच नहीं करेंगे, ना ही इसकी वो मार्किंग करेंगे, ना ही इसकी कटिंग करेंगे। तो मैन फैब्रिक को अभी हमें साइड रख देना है। जो भी मार्किंग होगी, जो भी कटिंग होगी, वो होगी लाइनिंग वाले फैब्रिक पे। तो ये मेरे पास है लाइनिंग का फैब्रिक, इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है पूरी तरीके से ओपन करने के बाद। तो इसे ओपन कर लेते हैं। फैब्रिक को मैंने ओपन कर लिया है और इसको डबल फोल्ड भी कर लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर मार्किंग इस तरीके से नहीं करूंगी। हम इसे लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने से हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है नीचे के साइड से। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेते हैं। और ये मेरे पास है 2 मीटर का फैब्रिक। अगर आपकी हाइट कम है तो 2 मीटर फैब्रिक में भी आप आराम से पैंट बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने अच्छी तरह से बिछाकर ओपन वाला पार्ट अपनी साइड रख लिया है, क्लोज वाला मैंने अपने अपोजिट साइड रखा है। अब ऊपर की साइड से हमें एक मार्क लगा लेना है सीधा। अगर आपका फैब्रिक तिरछा है, कहीं से भी आगे पीछे है, तो इस तरीके से लाइन खींचकर सीधा एक निशान लगा लें ताकि हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर सकें। अब हम लगाएंगे रेडी लेंथ। तो आपकी जो भी रेडी लेंथ है, आपको इस तरीके से इंच टेप को 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए रेडी लेंथ का नाप लगा लेना है। तो मेरी यहाँ पर है 32 रेडी लेंथ, तो मैंने 32 पे मार्क लगा लिया है। इसके बाद हमें 3 इंच मोहरी फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेना है। आप जितना भी फोल्ड करना चाहें मोहरी को, 3 इंच 4 इंच आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच की फोल्डिंग के लिए निशान लगा रही हूँ। और सामने भी आपको इंच टेप रखकर इसी तरीके से लेंथ लगा लेनी है और मोहरी की फोल्डिंग का निशान लगा लेना है। और अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से शेपर लेना है आपको, और इस तरीके से रखने के बाद एक निशान आपको बाहर की साइड से लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा हिप का राउंड शेप होता है उसका निशान। अब हम लगाएंगे क्रोच एरिया का लेंथ का मार्क। तो आपका जो भी हिप का साइज है आपको उसमें 4 में डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच करना है, तो आपका क्रोच एरिया निकल आएगा। मैं यहाँ पर 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए क्रोच एरिया की लेंथ लगा रही हूँ 11 इंच पर। सामने की साइड भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। अब हमें लगाना है कमर का निशान। तो आपका जो भी कमर का साइज है आपको उसमें 4 में डिवाइड करना है, प्लस आपको 2.5 इंच देना है। तो यहाँ पर हमारा कमर जो है वो है 28 इंच, 4 में डिवाइड करने पर आता है 7 इंच। तो यहाँ पर मैं कमर का साइज लगा रही हूँ 7 इंच पर, प्लस 2.5 इंच का लगाएंगे हम। तो 2.5 इंच मैंने लगाया, 1.5 इंच जो हमारी प्लेट जाएंगी और 1 इंच हमारा सिलाई के मार्जिन के लिए। अब हम लगाएंगे थाई का निशान। तो हमारे जो भी थाई है उसको हमें 2 में डिवाइड करना है। तो थाई हमारी है 25 इंच, इसको 2 में डिवाइड करने पर आता है 12.5 इंच। 2 इंच एक अंदर के साइड और निशान लगाएंगे हम। अब हमें थाई का निकालना है सेंटर। तो थाई का आपको 2 में डिवाइड करना है, यानी कि हाफ निकालना है। तो यहाँ पर आता है 6.25 इंच। अब इंची टेप को आपको जहां पर आपने 6.25 इंच पर निशान लगाए वहां से आपको देखना है फैब्रिक लास्ट तक कितना आ रहा है। तो यहां पर आ रहा है मेरा 7.5 इंच। ऊपर की साइड भी लगा लेंगे 7.5 इंच का और एक निशान नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 7.5 इंच का। तो ये पैंट का सेंटर निकल आएगा। अब इस निशान को हमें सीधा कर देना है। पैंट कटिंग करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको पैंट का सेंटर जरूर निकालना है। अगर आप चाहते हैं आपका पैंट बिल्कुल फिनिशिंग से बने और बहुत ही फिटिंग का बने, तो मैंने सेंटर पर निशान लगा लिया है। अब जो हमने 2.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाया था उस निशान को हमें कमर के निशान से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, और इसमें दे देनी है गोलाई नीचे के साइड से। तो ये हमारा क्रोच एरिया हो गया।
अब हमें मोहरी निकालनी है, तो मोहरी यहाँ पर है 12 इंच, उसका हाफ करेंगे 6 इंच, 6 इंच को हम हाफ हाफ में लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच 3 इंच पर निशान सेंटर में रखते हुए, 3 इंच इस साइड लगाया और 3 इंच इस साइड लगाया, तो ये हमारा मोहरी का निशान लग चुका है। अब सेपर की हेल्प से हमें क्रोच एरिया से लेकर जो हमारी मोहरी का निशान लगा है वहां पर हमें इस तरीके लाइन ड्रॉ कर लेंगे मोहरी से लेकर क्रोच एरिया तक इस तरीके से। अब शेपर को हम पलट लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और बाहर की साइड से मोहरी से लेके ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा दोनों साइड जो है लाइन ड्रॉ हो चुकी है। नीचे के साइड से हम मोहरी पर यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे तिरछी लाइन ड्रॉ। जब ये हम फोल्ड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है वो हमारा यहाँ से निकल आएगा। अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं प्लेट का निशान, तो प्लेट की जो लेंथ है वो मैं लगाऊंगी 4.5 इंच पर, आप चाहें तो 4 इंच पर भी लगा सकते हैं, मैं 4.5 इंच पर लगा रही हूँ यहाँ पर प्लेट की लेंथ का निशान। और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 1.5 इंच के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं 1.5 इंच पर इसका प्लेट का निशान लगा रही हूँ और इसको हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। पौने एक पौने इंच मैंने दोनों साइड निशान लगाया है। और अगर आपको 1.5 इंच का सेंटर निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से इंची टेप को 1.5 इंच पर फोल्ड कर लें और जो भी सेंटर आता है वहां पर इस तरीके से क्रीज बनाकर फिर प्लेट पर रखकर आप दोनों साइड निशान लगा सकते हैं। तो मार्किंग पूरी हो चुकी है, अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें आप जब भी आप पैंट कटिंग करें सेंटर जरूर निकालें। तो हमने भी इस साइड के पोर्शन को कट नहीं किया है, जो क्रोच एरिया का साइड था मैंने उसको कट किया है और अब इसको कर देंगे फोल्ड। अब हम बैक वाले पार्ट को कट करेंगे, तो हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से बिछाकर अच्छे से साइड करके रख लेंगे और जो हमने कटिंग की है उसको नीचे के साइड से इस तरीके से बिछाकर रख लेंगे। और अब हम इस स्केल की हेल्प से एक निशान लगाएंगे क्रोच एरिया की तरफ, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, एक लगाएंगे हम मोहरी की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और एक नीचे के साइड सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम ये बैक वाला पार्ट जो है उठाकर काटेंगे, तो जो क्रोच एरिया का राउंड शेप है ना वहां से हमें स्केल को इस तरीके से सीधा रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। इसके बाद हमें 2 इंच एक मार्क लगाना है बाहर की साइड जो कि हमारा क्रोच एरिया के लिए होगा, तो इंची टेप से एक 2 इंच का निशान लगा लेंगे हम। तो यहां पर मेरा जो थाई का साइज है कम है तो मैं यहां 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूं, अगर आपका थाई का साइज ज्यादा है तो आप 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच का यहां पर निशान लगाकर नीचे तक 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरफ भी हमें इसी तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो हमने निशान लगा लिया, अब हमें इसे स्केल की हेल्प से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये हमारा जो बैक पार्ट है उसका जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर निशान लगाते हैं वो लग चुका है। इसके बाद यहां पर हमें देनी है गोलाई, तो ये क्रोच एरिया हो गया। अब हम ऊपर की साइड से 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे, तो आप एक काम करिए यहां से स्केल से आप पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, तो उससे आपको नाप लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से 2.5 इंच ले लेंगे हम। अगर आपका हिप का साइज ज्यादा है तो आप 3 इंच 4 इंच तक ले सकते हैं, इसमें हिप का साइज कम था इसलिए मैंने 2.5 इंच लिया है ऊपर के साइड से। और इसके लेकर आपको इस तरीके से तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है, ऊपर की साइड आपको 2.5 इंच और नीचे की साइड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल पॉइंट पर रखकर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैक पार्ट की,
अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस पार्ट की हम कटिंग करेंगे अभी, और फ्रंट पार्ट जो आगे का साइड है अभी हम उसे कट नहीं करेंगे इस साइड को। तो अभी हम कट इसी साइड को करेंगे। तो हमने देखिए बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अभी इस पार्ट को कट नहीं करना है, हमें इसको निकाल कर रख देना है अलग, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको अलग निकालना है लाइनिंग वाले के, और जो बैक पार्ट है लाइनिंग वाले के उसको अलग कर देना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है हमें वो ले लेना है, और इसको भी हमें उसी तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छे से। तो हमने फैब्रिक को अच्छे से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और जो ओपन वाला पार्ट है वो मेरे साइड है, और क्लोज वाला मैंने अपने अपोजिट साइड रखा हुआ है। अब जो फ्रंट वाले पार्ट का है लाइनिंग वाला पार्ट, उसको हम उठाकर इस तरीके से रखेंगे लाइनिंग वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर, और पिंस लगा लेंगे ताकि ये हमारा जो मेन फैब्रिक है लाइनिंग वाले फैब्रिक पे अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। इसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है, तो ये मैंने मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें इसी तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को बिछाया था, और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैंने नीचे के साइड से लाइनिंग वाले पार्ट को रख लिया है मेन फैब्रिक पर, और इसके ऊपर पिन से इसे अटैच कर लेंगे। पिंस का आप जरूर यूज करिएगा, वरना कटिंग करने में फैब्रिक आगे पीछे हो सकता है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। आगे की साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे, जो भी कटिंग करेंगे पीछे के साइड से। तो मैंने क्रोचीरे की साइड से कटिंग की है अभी। अब बैक पार्ट के ऊपर हमें जो फ्रंट पार्ट है जिसके ऊपर हमारी मार्किंग है उसको अच्छे से सेट करके रख लेना है इस तरीके से, क्योंकि अब हमारा जो आगे की मार्किंग है वो हम कट करेंगे। तो इस तरीके से सेट करके बिछा लेना है आपको अच्छे से, और जो हमारे आगे की मार्किंग है अब हम उसे कट करेंगे। तो मैंने चारों पार्ट रख लिए हैं, लाइनिंग वाले पार्ट और मेन फैब्रिक वाले पार्ट, और फिर इसके बाद मैंने ये आगे की साइड की कटिंग कर दी है। तो आप इसी तरीके से कटिंग करिएगा, बहुत फिनिशिंग से आपकी कटिंग होगी और बहुत अच्छा पैंट बन के आपका रेडी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट हमें अलग निकाल के फोल्ड करके रख देना है, और जो बैक पार्ट है उसको अलग फोल्ड करके रख देना है। अब हम कर लेंगे जेब की कटिंग इसकी। तो एक पीस लिया है मैंने यहाँ पर जिसकी लेंथ है 12 इंच। तो एक पीस लेने के बाद मैंने इसकी जो चौड़ाई है, जेब की चौड़ाई रखेंगे हम, पॉकेट जो लगाएंगे उसकी नीचे की साइड से रखेंगे 7 इंच, और ऊपर की साइड से रखेंगे 6 इंच, और इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक अंदर की साइड जो नीचे की साइड है 1/2 इंच का मार्क लगा के थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा पॉकेट का मार्क लग चुका है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। मैं पैंट में एक साइड पर पॉकेट लगा रही हूँ, राइट साइड में। आप चाहें तो दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हैं और इसी तरीके से कट कर सकते हैं। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो ये फ्रंट पार्ट के बेल्ट की कटिंग करनी है। पहले हमें इस तरीके से इंच टेप से नाप लेना है आपको कितना आ रहा है। यहाँ पर हमें 10 इंच आ रहा था, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच कम कर लूंगी जो हमने बेल्ट डालेंगे। उसके बाद आ गया 8 इंच। 8 इंच का हम डबल करेंगे तो हो गया 16 इंच, और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पर। तो टोटल हम यहाँ पर 18 इंच लंबी एक पट्टी कट करेंगे। तो 18 इंच पर निशान लगा लेते हैं, और पट्टी की चौड़ाई रहेगी हमारी जो वो रहेगी 4 इंच, जिसमें से हमारा 1.5 इंच का बेल्ट जाएगा, यानी कि 1.75 इंच का बेल्ट जाएगा, बाकी हमारा सिलाई के मार्जिन के लिए होगा। तो आप जब बेल्ट लगाएं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर लेकर पट्टी कट करें, वरना आपको बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से मैंने एक पट्टी कट कर ली है फ्रंट बेल्ट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के बेल्ट के लिए पट्टी कट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के लिए भी बेल्ट के लिए पट्टी कट कर लेनी है। तिरछी तरह से रखते हुए इंची टेप को मैंने यहाँ पर नापा, तो आता है 10 इंच। 10 इंच का डबल करेंगे तो हो गया 20 इंच। तो 20 इंच लंबी एक पट्टी कट करनी है, और इसकी चौड़ाई भी रहेगी 4 इंच। तो अब कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। तो ये बैक पार्ट के लिए बेल्ट की पट्टी भी कट हो चुकी है।
कटिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कटिंग कैसी लगी। इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।